दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सुबह माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग प्रस्तावित है। लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर वार्ता हुई मैंने कल आज सुबह आपको पोस्ट में बताया था, लेकिन क्या क्या वार्ता हुई वो इस लाइव में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ और आप लोगों की जो सोच है सोशल मीडिया की हो चाहे कॉल और मैसेज की, एक मिनट में आप परिणाम चाहते हो, आप चाहते हो कि मुलाकात होते ही आपके हाथ में परिणाम आए, प्रयास करना पड़ता है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कई सालों से चल रहा है, मैं 9 साल से संघर्ष कर रहा हूं, एक चीज के पीछे भागना पड़ता है। एक भर्ती के लिए भागने लग गया तो और भर्ती वाले पीछे से मैसेज कॉल। मैं समझता हूं आपकी पीड़ा, लेकिन ये समझना होगा कि एक इंसान है, एक मुद्दा हाथ में ले लिया उसको पूरा करवाना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने फोटो खिंचवा दी, वीडियो बना दी, उनको छोड़ दूं, दूसरे पास ले गया, फोटो खिंचवा दिया, तीसरे के बाद ये नहीं यार, वो भी बेरोजगार है यार। कम से कम एक भर्ती को तो मंजिल तक पहुंचाए, कम से कम हमारे साथियों को तो मंजिल मिले। मैं हर व्यक्ति की पीड़ा जानता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई मंगलवार को, लोग कमेंट करने लगे कि कहां गायब हो गया, क्यों झूठ बोल गया। माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से और मंत्रियों से मिलना मेरी बस की बात नहीं, समय दे तभी तो मिले। कोरोना चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, हंगामा कर नहीं सकते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से बात हुई हूँ कि आपसे भर्तियों को लेकर लंबे समय तक कुछ चर्चा करना चाहते हैं, आप इंतजार पर संयम रखे। आप चाहते हो कि मैं उल्टा बयान दूं और यह जो माननीय मुख्यमंत्री समय देने वाला वो भी नहीं मिले मुझे। शिक्षा मंत्री जी से मैं मिला हूँ, आपकी बात रखे, वो भी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा, क्या उसका परिणाम निकला। लेकिन मैं आप लोगों से, क्योंकि आपका भी अधिकार है मुझे बात बताने का, मेरा भी अधिकार है आप लोगों को बात बताने का। आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, कोरोना चल रहा है, जिन लोगों को आपने वोट दिया वो एमएलए आपके घर है, डिजायर लिख देते हैं कि ले मेरी डिजायर ले जा या मैं फोन कर देता हूँ, इसके अलावा कोई कार्रवाई करते हैं। कमरा किराया माफी अभियान में मैं रोज कोशिश करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं जाके पहले उनसे बात करनी पड़ती है, कन्वेंस करते हैं भैया आप किराया माफ कर दो, यही विद्यार्थी आपके पास आएंगे, गरीब बेरोजगार है, निवेदन करके उनको तैयार करके फिर लाइव करके एक मैसेज देते हैं या लोगों को फायदा। करीब 25 लाख रुपए करीब हम किराया माफ करा चुके हैं, किनके मेरे हुए क्या, वो गरीब थी ना, विभाग कुछ भी नहीं, उस पर पूरी रिपोर्ट उन लोगों को भेजकर अधिकारी से मिला, वो खुद देख के आए हैं, उनकी मुलाकात करे हुए देखे कि वो संतुष्ट है, हाँ अब की बार विभाग तैयार है, सात जुलाई को सुनवाई है। कोशिश हर बेरोजगार की पीड़ाओं के लिए मैं करता हूं। आरएस भर्ती 2018 देखा होगा, मुझे पता है वो कोर्ट से निकल गई, अब 4 भर्ती आए, मुझे उसको जो कृषि प्रेक्षक है, चाहे प्रयोगशाला सहायक है, महिला सुपरवाइजर है, महिला आंगनबाड़ी है और फायर वाली, ये भी निकले, 6 जुलाई को सुनवाई है। दोस्तों हर व्यक्ति से मिलता हूं कोरोना में, परिवार के सदस्य दोस्त भी कहते हैं यार सतर्क रहो, बेरोजगारों से कोरोना लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन जब वो कार्यालय के बाहर आ जाते हैं फोन करते हैं भैया हमसे मिलना, तो उनकी पीड़ा देखकर मैं कहीं पे उनके पास जाता हूँ, सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ उनके सामने ही, जहां बात करनी है तो उनके सामने बात करता हूँ, मुलाकात करानी तो मुलाकात भी कराता हूँ। जो अभ्यर्थी खुद मिल के आते हैं, चाहे सीएमओ में सीएम सचिव साहब से मिलना, उनकी मुलाकात होती है, वो खुद मिल के आते हैं कि हाँ हमारी मुलाकात हुई और उसका परिणाम निकला। हम धरातल पे काम करते हैं। एलडीसी भर्ती 2018 के कई लोगों की जॉइनिंग होली, कई विभाग अटके पड़े थे, हर व्यक्ति के अधिकारी से बात करके, निवेदन करके, लेटर लिख के बात करके, कन्विंस करके, हर व्यक्ति के धीरे धीरे समस्याओं का हल हो रहा है, उनकी जॉइनिंग भी हो रही है। आरपीएस एलडीसी भर्ती 2013 कब से लंबित थी, कोरोना में उसका भी निस्तारण करवाया, सेकंड ग्रेड वाले बेचारे बैठक रहे थे, उनके अभ्यर्थियों के साथ मंत्री से सीएमओ मिलकर उनका कैलेंडर जारी करवाया, हर जगह एक एक निस्तारण हो रहा है। और जब सीएम सचिव साहब से सीएमओ बात होती है तो वास्तव में उनका कहना भी सही है कि आपके काम लगातार हो रहे हैं। कुछ लोग क्या कमेंट करते हैं, उपेंद्र जी तो आप तो कांग्रेस से दबने लग गए, आप तो कांग्रेस के हो गए। भाई मेरा कहना ये है, मैं कांग्रेस या बीजेपी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मैं बेरोजगारों से मिला हूं, बेरोजगारों के साथ हूं। लेकिन जब हमारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कोरोना में आप 12,000 एलडीसी वाले की नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश हुए, कैलेंडर जारी हुआ है, आप सेकंड ग्रेड के हुए, आदेश में एडवोकेट जनरल किया, 3 जो भर्तियां भर्ती है कोर्ट में उसमें एडवोकेट जनरल आ रहे हैं। यार जो मुझे, मैं निवेदन कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ कि आप साहब एडवोकेट जनरल को उतारिए, साहब ये करिए, तो उसका निस्तारण हो रहा है तो फिर मैं किसके खिलाफ बोल जाऊँ, आप सोचिए। मैंने हमें जो काम करेगा उनके साथ हूँ, जिंदाबाद बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा, काम नहीं विरोध करूंगा, वही किया आपने, देखा होगा। आप क्यों भूल जाते हैं 25 नवंबर को मैं जेल भी गया था, मैंने अनशन भी किया था,
मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूँ यार, मैं आपका साथी हूँ। किसी पे आक्षेप लगाने सोचने से पहले सोचना चाहिए कि आपके लिए इस कोरोना में कौन भाग रहा है, कौन घर से निकल के जा रहा है। रीट के अभ्यर्थी कहते हैं कि भाई मीटिंग का क्या, भाई आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है? आप सोशल मीडिया मीडिया में उठा के देखिए, एक व्यक्ति मैं ही हूं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं। साई जो लगातार कई सालों से मेरे से जुड़े हुए उन व्यक्तियों को पूछना, वो व्यक्ति मैं ही था कि भर्तियों की मॉनिटरिंग की जाए, भर्तियों की मॉनिटरिंग की जाए, भर्तियों की मॉनिटरिंग की जाए, हर डिबेट हर चैनल पर चला चला के बोलता था। उसका परिणाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने भर्तियों की कम से कम वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ही पहला व्यक्ति था जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर जारी हो, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। आरपीएस अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया। आप सोशल मीडिया के वो वीडियो वो डिबेट उठा के देखिए कि कौन चिल्ला था आप लोगों के लिए। लेटर तो मैं भी लिख के देख सकता हूं, लेकिन लेटर लिखने के बाद मॉनिटरिंग करना, अधिकारियों से बात करना, उनसे मिलवाना, उनसे बात करना, भागना दौड़ना, ये सब कुछ आपके लिए हम करते हैं। आप सोचिए, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं, कन्फ्यूज है आपके एग्जाम कब होगी, क्योंकि सबका परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा कि उनकी कब कब होगी, आपका नहीं होगा। लेकिन जिनका अगस्त सितंबर अक्टूबर कैलेंडर जारी हो, अभी तक कोरोना के ऊपर कोरोना की स्थिति सही होगी तो एग्जाम हो सकते, नहीं उनकी भी आगे जा सकती, वो संभावित तारीखें हैं। और जो कमेंट आ रहे हैं उन भर्तियों को लेकर भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन बात ऐसी है कि कम से कम अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। मैं फेसबुक पर आजकल मैं छोटे छोटे पोस्ट डालने से कतराने लग गया हूँ कि भैया मैं एक भर्ती के लिए डाल दूंगा कि कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम आने वाला है इस वीक या अगले वीक में। मैं देखूँ नीचे 50 कमेंट आ रहे हैं कि भैया मैं भूल गए। अरे यार, आपके लिए मैं अलग अलग वीडियो डाल चुका हूँ, अलग अलग पोस्ट डाल चुका हूँ, एक भर्ती का डालता हूँ, नीचे सारे कमेंट आते हैं कि आप हमें भूल गए, आप 587 को भूल गए, आप रीट 2018 को भूल गए। जब मैंने ये स्पष्ट आप लोगों के सामने बात रखी थी, रीट 2018 लेवल 2 की कोर्ट से जब सुनवाई होगी, जब 7-8 जुलाई को उसको प्रस्तावित है, एडवोकेट से मेरी बात होगी, उसका जजमेंट हाथ में आएगा, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू करेंगे। उससे पहले मैं क्या बोलूँ? लेकिन नीचे कमेंट करने की अपनी आदत है, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे हर बात पता है यार। लेकिन कम से कम उस इंसान को सोचिए, वो इंसान कमरा किराए के लिए भाग रहा है माफी के लिए, वो इंसान सचिवालय में भाग रहा है, वो इंसान एडवोकेट से भी बात कर रहा है भर्ती के लिए, वो इंसान हर व्यक्ति से कोरोना मिल भी रहा है। सोचिए यार, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं मेरा फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है। जितना मुझसे होगा मैंने वादा किया था, मरते दम तक मैं बेरोजगारों के लिए करता रहूंगा जब तक मैं सक्षम हूं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, निजी स्वार्थ सोचकर यह सोचना होगा कि बेरोजगार महासंघ, राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ, रुपये नहीं आलोग के अलावा कौन भागता है? आपकी आवाज बुलंद करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। परिणाम में देरी हो चाहे कितना भी हो, लेकिन आपकी आवाज तो उठा रहा हूं ना मैं। यदि 100 काम कर दूंगा तो कैसे होगा? मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा है कि 100 मामले उठाते, 80% या 90% मामले हमारे हल हो रहे हैं, पीछे पड़ते हैं यार। आप सोशल मीडिया पर मेरे फेसबुक वीडियो उठा के देख लीजिए, जो बोला वो हो रहा है। हमने कहा जैन भर्ती का सिलेबस आ रहा है, मैंने कल ही ट्वीट किया था कि आ जाएगा, आया है, मैंने प्रयास किया ना। अब कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 वाली है, उसमें मामला उलझा उन अभ्यर्थियों की जो लाइव देख रहे हैं, उनकी मैंने सीएमओ में मीटिंग करवाई थी, जो समस्या आ रही थी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, समस्या का हल भी हो गया है और बहुत ही जल्द इस वीक में अगले वीक में आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक की बात कर रहा हूं, जो परिणाम बाकी है। एनटीटी के अभी तक डेटा नहीं आया। और अब मैं जो 4-5-6 मांगे थी ना शिक्षा मंत्री से वार्ता, और उसमें मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले और अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, क्योंकि उनके भी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। एलडीसी भर्ती 587 के अभ्यर्थी लगातार मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को मैं कह दो, आपके गगन लीडर है उसको मैं हर अपडेट बता रहा हूँ। सीएमओ में जब आते उनकी बात भी करवाई, पूरी फाइल बनी थी, सीएम साहब तक गई थी। आज शिक्षा मंत्री जी को भी याद दिलाया साहब आपने ट्वीट भी किया था, आपने वादा भी किया, बोले मैंने सीएम साहब तक बात रख दी थी, दोबारा फिर बात रखूंगा। यही था कि एक बार ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उन पोस्टों की वजह से बाधित नहीं हो, लेकिन कोशिश रहेगी उनको भी न्याय मिले, मैं मजबूती से बात रहूंगा। आज मंत्री जी ने आज उस बात को वापस दोहराया है। लेकिन मंत्री जी के अलावा मुझे पता है, जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखूंगा, मुझे पता है। लेकिन जिद नहीं कर सकता यार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार किसी नहीं मिल पाता हूं। मुझे कई लोग फोन करते हैं, भाई साहब मैं इस नगर आ जाओ, किराया माफ करने, मैं नहीं जा पाता दूसरी जगह हूं। तो मुख्यमंत्री जी कोरोना महामारी है, टिड्डी वाला है, राजनीति कई चीजें हैं, वो बिजी है, वो समय देंगे तभी देंगे यार। मुझे 3 मार्च 2018 को बुलाया था, फिर अब 2020 में 3 मार्च को बुलाया था, 15 तारीख को अचानक मार्च में शिक्षा मंत्री मुलाकात हो गई। समय देते, कई महीनों समय मांगते, देंगे। और जब समय देंगे तो मैं वादा करता हूँ
प्राथमिकता के साथ जो मेरी बहन है एनएम जीनम की, स्पेस उनसे निवेदन है, आपके बहुत कमेंट आते हैं एनएम जीनम नरसिंह भर्ती वाले, मुझे आपका मामला पता है, 1719 पद एनएम के और जीनम के 4514 पद और 587, इसके अलावा जो एलडीसी भर्ती 2013 10029 पद, जो कुछ मामले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ही उस पर अंतिम निर्णय लेना है। और साथ में जो गड़बड़ की गई जो कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, जो रीट 2016-18 जो एक और सूची का मामला जो गुमराह कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 2016 भी पूछ गया, 17 जो संस्कृत विभाग वाला भी बीबीएम चला गया और 18 वाला चला, उस मामले में मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा कि ये जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे, क्योंकि सूची आपको सुप्रीम कोर्ट में भी हारेंगे फिर भी आपको निकालनी पड़ेगी। मैंने शिक्षा मंत्री जी को कहा था कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत के आएंगे। तो दोस्तों आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि मैं नहीं, मेरी जगह मान लीजिए मैं तो प्रवक्ता हूं, कल ये भी छोड़ दो दूसरा आ जाए, लेकिन जो भी आपकी मदद करे उसको मजबूती से आप सबको मिलकर साथ देना चाहिए, सोचना चाहिए। एक व्यक्ति एक भर्ती में लगा हुआ है तो वो आपका भी सब, मैं धीरे धीरे ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आते हैं हमारी भर्ती में, उनके लिए पहले भी लेटर लिखा है मैंने, सीएमओ ने बात की, मजबूती से फिर बात रखा है कि साहब इनकी भर्तियां निकाल जाए, आईटीआई योग्यता वाले भी लोग इंतजार कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग में 9000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों घोषणा की गई थी, उन पर भर्तियां निकाल, धीरे धीरे हर विभाग में भर्ती है, उनकी मैंने बात मजबूती से रखी है। तो दोस्तों हर व्यक्ति की बात रखने में कोशिश कर रहा हूं। तो जो मुद्दे, जो 3-4 मैंने मुद्दे बताए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर के, मैं मजबूती, जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा, विश्वास दिलाता हूँ आपको। अब मैं आज की जो वार्ता के लिए भी बात कर लेता हूँ। दोस्तों आज माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, पहले भी 19 तारीख को टाइम मांगा था शिक्षा मंत्री बीजी थे, फिर मंगलवार को टाइम मांगा, वो लेट आए सीकर से, फिर आज मेरी मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही रीट के लिए, विशेष जो रीट के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक फाइल गई है, कुलदीप राखा जी जो ओएसडीएम से बात हुई है, बोले कि मुझे जब भी बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा, उनकी सहमति यानी कि उनसे अप्रूवल बाकी है, हमने जो दोनों नियम थे जो वेटेज कम करके और जो दो एग्जाम वाला उनको भेज दिया है, जो भी मीटिंग होगी उसके अलावा पंचायत राज विभाग का भी रोल है, उसमें रूल्स में बदलाव होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था कि पंचायत राज रूल्स में भी संशोधन होगा, वेटेज कम होगा तो भी संशोधन होगा, दो एग्जाम होगा तो भी संशोधन होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना चाहता हूँ, मैं जल्दबाजी में फिर घोषणा कर दूँ कि एग्जाम इस तारीख होगी, फिर एग्जाम नहीं होगी तो आप ही गाली दोगे। हमने सेकंड ग्रेड का, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए कोई भर्ती प्रक्रिया चालू हो गया, हमने सेकंड ग्रेड का एलडी शिक्षा विभाग के लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी किए, किसी भी अभ्यर्थी ने यह नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री जी आपको धन्यवाद, लेकिन रीट के लिए आप लोग इतना कुछ बोलते हो, फिर भी मैं चयन कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पारदर्शिता के साथ भर्ती हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो फॉर्मूला गया, वो किस पे हरी झंडी देते हैं, मुझे बुलाते हैं तो मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद जो पंचायत राज नियमों में संशोधन करके और आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोस्तों मैंने रीट शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की बात रखी है, कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों को वेटेज हटाने सारी वो मांगे रखी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उपेन यादव रीट पे इतना जोर क्यों नहीं दे रहे, तो सोचिए मेरे अलावा आपकी मांग कौन उठा रहा है, यूट्यूब पे चिल्लाने से, यूट्यूब पे वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, दरअसल पे काम कौन कर रहा है, ये तो सोचिए आप लोग। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने वेटेज खत्म करने की जो हमारी मांग थी, जो पिछली सरकार में हम जेल गए थे, वेटेज खत्म किया जाए बीए का, फर्जी डिग्री वाले नहीं आ सके, हमने सामान्य ज्ञान शामिल करने की मांग की थी, वो मांगी जा रही है, हम कॉमर्स वालों को अंदर लाने की मांग मानी जा रही है, जब हमारी मांगे मानी जा रही है, समय इसलिए तो लेट हो रहा है कि जो ये विसंगतियां दूर हो रही है, तो हमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को तो फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, उपेन यादव को या शिक्षा मंत्री जी को, वो फायदा आप लोगों को हो रहा है। लेकिन मैंने शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन किया, जिस प्रकार आपने एलडीसी का कैलेंडर जारी किया, जिस प्रकार आपने सेकंड ग्रेड का कैलेंडर जारी किया, कम से कम जो भी हो कि एग्जाम कब होगी, परिणाम कब आएगा, क्या क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, जल्द से जल्द जारी किया जाए जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम आप 2 सितंबर को, अक्टूबर, आप चाहे जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जब भी करवाए, 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, जो भी लेकर, कम से कम बेरोजगारों कह दे कि इतनी तारीख को आपकी एग्जाम होगी, ये कैलेंडर है, ये पैटर्न है जिससे बेरोजगार तैयारी कर सके। ये बात मैंने मजबूती से रखी है, उनके सामने बात रखी है, और दोस्तों विशेष शिक्षकों की बात रखी है, उनके भी पद आएंगे, विशेष शिक्षक वाले मुझे मैसेज करते रहते। तो आपकी मैंने दोस्तों मेरा प्रयास था आपके लिए आवाज आकर बात रखी है, और इसके अलावा सीएमओ के सीएम सचिव साहब से भी मैंने बात रखी थी, मैंने कहा साहब आपने भर्तियां निकाली है, पूरे राजस्थान के बेरोजगारों ने धन्यवाद दिया, वाई वाई का आपको दी है कि वास्तव में सरकार वास्तव निकाली है, मैं भी मांगूंगा
मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ कि अन्य राज्यों में भर्ती प्रक्रिया रुक गई, लेकिन इस सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करें, भर्तियां निकालें। चाहे शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद है, कम से कम सेकंड ग्रेड और एलडीसी भर्ती 2018 का कैलेंडर जारी किया। जहां गलत होगा हम विरोध भी करते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि समय लग रहा, मुझे पता है, मैं आपकी बात मजबूत आपकी पीड़ा रख के आऊंगी, वो परेशान है दुखी है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर पैटर्न सब जारी हो, पद भी बढ़ाए जाए। शिक्षा विभाग में बहुत पद खाली। सीएम सचिव साहब को मैंने कह दिया था, साहब आपने भर्तियां निकाली, धन्यवाद है, लेकिन कम से कम ये पैटर्न जारी नहीं होने से, विज्ञप्ति नहीं जारी होने से बेरोजगार, आपने जो अच्छा किया वो भी उस पर भी पानी फिर रहा है। मैंने अच्छी तरह मैंने मजबूती से आपकी बात रखी, कभी मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात रखता हूँ वही आपके सामने बोलता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार करो, केवल मुझे आपकी बात रखनी थी, मैं बात रख के आया हूँ। अब उन्होंने जो समस्या, क्योंकि आदमी वहां थोड़ा सा, मान लीजिए मैं कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ, कमजोर इसलिए पड़ जाता हूँ कि मेरी मांगे मानी जा रही है। मैंने मांग की आरएस भर्ती कर से प्रयोगशक महिला सुरक्षा में एडवोकेट जनरल किया जाए, किया। हमने मांग की कि वेटेज खत्म किया जाए, जीके जोड़ा जाए और जो कॉमर्स वाले शामिल किया उनको मान रहे हैं। हम मांग भी बनवाए और फिर उल्टा भी बोले तो वो देखो अच्छा नहीं लगता। हम प्यार से ही काम करवा सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री जी वार्ता करने के लिए तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए तैयार है, तो फिर हमें जिस प्रकार वो पॉजिटिव है तो उसी प्रकार हमारा काम के लिए हमें हमारा व्यवहार रखना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए और साथ भी रहना चाहिए। अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप वोट दो, लेकिन जिस प्रकार जो समस्या चल रही है वो सोचना चाहिए। तो रीट के लिए आज मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही हमारी जो पैटर्न, जो भी पैटर्न होगा, मैंने हालांकि आपको इशारा कर दिया था, जो भी पैटर्न होगा उस पर अप्रूवल मिलते ही जस्ट मीटिंग करेंगे, पंचायत राज के अधिकारी मौजूद होंगे, नियमों संशोधन कराएंगे और जल्द ही, क्योंकि अभी मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे कैलेंडर जारी कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस पैटर्न को अलाउ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी कहना था वो एक बार उनसे यदि मुझे बुलाते हैं तो मैं यही हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। वहां से अनुमोदन जिस पैटर्न के लिए तैयार होते हैं, जो करवाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हम पंचायत राज के अधिकारी से नियमों संशोधन कराकर और आगे का हम कैलेंडर जारी कर सकते हैं। अभी स्थिति नहीं है कि मैं कैलेंडर जारी कर दूं, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी मिले, उन्होंने ये कहा पैटर्न के लिए, कैलेंडर के लिए। तो दोस्तों मैंने सीएम सचिव साहब से बात की है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी प्राथमिकता के साथ प्रयास करता रहूंगा कि जल्द से जल्द इसका पैटर्न, विज्ञप्ति, परीक्षा तिथि भी जारी हो और पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए और तमाम विसंगतियां भी दूर हो। आप किसी के बेखाव नहीं है जो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप उसको उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं करने वाले। और जिस दिन कुछ करना होगा ना वो हम ही करेंगे, आपको पता होगा, पहले देख लिया, लठ भी खाए, जेड़े भी गए, हंसन भी किया, सब कुछ किया, किसी को आगे नहीं किया, भैया तू हंसन पे बैठ, तू लाठियाँ खा ली, लाठी खाई तो सबसे पहले मैंने खाई है, जेल गया था सबसे पहले जेल में गया, हंसन किया तो मैंने किया। और जिस दिन नौबत आएगी तो आपका भाई आगे रहेगा, आपको आगे नहीं आने देगा, आप तो पीछे रहोगे। लेकिन जब सरकार सुन रही है, बुला रहे, वार्ता कर रहे, जो सकारात्मक चल रहा है, क्योंकि सकारात्मक जब हमारी विसंगतियां दूर हो रही, तो दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कर रहा हूँ, वो आपका ही फायदा हो रहा है, उपेन यादव का नहीं, आपकी विसंगतियां दूर हो रही है, वो समय आने पे पता चलेगा कि आपको क्या लाभ हुआ। दोस्तों ये रीट को लेकर मैंने आपको जो वार्ता हुई मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी से वो जो भी होने के बाद शिक्षा मंत्री कहा, वो रूल्स में जो भी होना वो सारी चीजें मैंने बता दी, जो विसंगतियां वो मैंने बता दी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी विज्ञप्ति जारी हो, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती, स्कूल लेक्चरर। तो दोस्तों इस कंप्यूटर शिक्षक के लिए कहा कि हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आए, लेकिन हम इसका कंप्यूटर शिक्षक पद का कैडर बन रहा है, नियम बन रहे हैं, थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, संयम रखो, हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता भर्ती कब आएगी, जब नियम बन जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद हम जरूर भर्ती निकालेंगे, आपको बता देंगे। उन्होंने ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कहा है। दोस्तों हम लगातार मांग कर रहे थे पिछली सरकार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकाल दी, लेकिन 5 साल निकल गई, कम से कम कैडर बन रहा है, कई लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उससे भी विचार चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कंप्यूटर कैडर बन रहा है, थोड़ा सा आप सहम करो कि उसकी विज्ञप्ति भी आएगी। स्कूल नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पहले डीपीसी होगी और डीपीसी के बाद पदों की गणना होगी, उसके बाद ही हम स्थिति हो पाएगी नई भर्ती की विज्ञप्ति निकालने के। बोले हम डीपीसी करेंगे, पदों की गणना होगी, उसके बाद ही आपकी नई विज्ञप्ति जारी होगी स्कूल व्याख्याता भर्ती की, उससे पहले ये भर्ती है इस प्रोसेस में, जब तक ये भी लगभग अंतिम स्तर पर आ जाएगी, ये शिक्षा मंत्री जी ने नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए कहा है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के जो शिक्षा वाक्य उनके लिए कहा कि 6 तारीख को जो सुनवाई है एडवोकेट जनरल साहब आ रहे हैं, प्रयास ये रहेगा कि 6 तारीख को निस्तारण हो, जिससे हमें नहीं शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला जो है
जो लैब असिस्टेंट वाले जो मिले हमें, तो दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। आरएस भर्ती वाला आपके सामने हो गया, हम लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन एएन भर्ती 2018 में भी दोस्तों, जैसे आरएस भर्ती 2018 रूल्स 15 में बदलाव किया गया, उस रूल्स 15 में बदलाव की वजह ही कोर्ट से आपका आरएस भर्ती 2018 का मामला हल हुआ। अब रूल्स 15 में एएन भर्ती में भी होना है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री सचिव साहब को मैंने अवगत करा दिया, साथ रूल्स 15 में बदलाव किया जाए जिससे इनका भी फाइनल परिणाम आए, क्योंकि दोस्तों दोनों में मामला समान था, ओबीसी जनरल कट ऑफ को लेकर आरएस भर्ती 2018 में और एएन भर्ती में भी। तो उसमें क्योंकि परिणाम नहीं आ रहा था, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे थे कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा, बाद में पता चला कि वो सुरगियान वाले केस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसकी लाइट में एएन भर्ती 2018 के उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था जो ओबीसी के थे और जो एसटी जो भी हो, जो जनरल से ज्यादा नंबर लेके आते वो बाहर हो गए, तो उन लोगों को शामिल उसी सुरगियान यादव वाले जो आरएस वाले मामले में उसके बिहेव पे यानी कि लाइट में फैसला आया था, लेकिन अब उसका फाइनल फैसला नहीं आया था। अब उसमें भी अनुमति लेनी पड़ेगी कोर्ट से और उसमें भी रूल्स 15 में बदलाव होगा, वो मैंने बात रख दी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका परिणाम जल्द होगा, रात में लिखे। आरएस भर्ती 2018 का परिणाम 5 जुलाई के बाद ही आएगा। आपको पता है 4 जुलाई तक तो एमबीसी का जो भी है ऑप्शन जो ले रहे हैं, जो मांग रहे हैं, इसके बाद 5 जुलाई के बाद ही आएगा, यानी कि अगले वीक में आपका परिणाम आ सकता है। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2013 के अभ्यर्थी मुझसे मिल के गए थे, ऑफिस में आए थे, करीब 20-30 लोग थे, उनकी मैंने बात सुनी थी और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ जितनी मेरे से मदद होगी जूनियर अकाउंटेंट 2013 के अभ्यर्थियों करूँगा। वहीं सूचना सहायक भर्ती 2013 वाले मैं पूरी मदद करूँगा। फायर वाले आए हैं, इन अभ्यर्थियों को उनके विभाग में इनको पहुँचाए, ये मिल के आए, ये संतुष्ट है। अब 7 जुलाई को उनको सुनवाई है, इनके एडवोकेट से सीएमओ से फोन करवाना, जो भी मैं इनकी पूरी मदद करूँगा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 संस्कृत बाकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया जो बाकी है, इस संबंध में मैं कल माननीय मंत्री जी से मैं खुद बात करता हूँ। हालांकि एक बार पहले बात रखी थी लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो ये बात मैं रखूँगा। दोस्तों जैन भर्ती का सिलेबस जारी हो गया है, मैंने कहा था सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा वही आपके सामने है, कि लगातार मैं आप लोगों को कह रहा था तैयारी करो, वही है आपके एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट है, आप उसकी तैयारी करते रहें। दोस्तों एंटिटी का डेटा अभी तक उनके पास पूछा नहीं। रीड 2018 लेवल की एक सूची मैंने हमारे एडवोकेट जोत में बात की है, सुनवाई कोशिश कर रहे हैं, परिणाम आने दो। 2016 और 17 में इन्होंने जो लापरवाही किया, जब माने मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो मैं जरूर बात रखूंगा कि जिन विभागीय अधिकारी और जो भी इसमें शामिल है, मैं नाम लेना चाहता, एक बार माने मुख्यमंत्री तक मैं बात रखूंगा। और जो 4 भर्तियां कर प्रयोगशा प्रयोगशाला सहायक महिला सुपरवाइजर, आप 6 तारीख इंतजार करो, मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ। एडवोकेट जनरल साहब आ रहे हैं और भगवान चाहे तो जिस प्रकार आरएस वालों को खबर मिली आपको मिले। दोस्तों इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आए, ये भी हम मांग कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा ऊर्जा विभाग की भर्तियों के लिए मैंने कल ही भी लेटर लिखा, पहले भी लेटर लिखा, मुझे मैं आपके हर पीड़ा को समझता हूँ, आईटीआई वाले लगातार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस 2018 की एक और सूची जारी हो, दोस्तों मैंने पहले भी लेटर लिखा था और मैंने खुद ही रोहतास कुमार यादव के नाम से याचिका लगा रखी, लेकिन कोर्ट में उसका नंबर नहीं आ पा रहा। अब नंबर आना नहीं आना न्यायालय का मामला है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना प्रयास मुझसे हो रहा है दोस्तों मैं आप लोगों को क्लिक कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों व्यावसायिक जो वोकेशनल टीचर के मामले में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि सप्ताह भर के अंदर वो इस मामले में मीटिंग ले रहे हैं, जो उनका सैलरी वाला मामला है, जो समस्या आ रही है वोकेशनल टीचर के लिए कहा, सप्ताह भर में इस मामले में अधिकारियों की मीटिंग लेके रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ये शिक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा चुकी है, नमो नारायण से मेरी बात हुई थी, वो मुझसे मिलेंगे, जितना सहयोग है मैं उनसे पूरा करूंगा। 2013 सेकंड ग्रेड के लिए मुकेश बेनीवाल मेरे साथ थे, मुकेश बेनीवाल ज़्यादा चिंतित थे, उनका व्यक्तियों साथियों कहूंगा कि मुकेश बेनीवाल आपके लिए पूरी भागदौड़ कर रहा है, चिंतित भी है, आज भी बात रखी थी, वो वित्त विभाग से जल्द से जल्द फाइल निकलवाने की हम पूरी कोशिश करें। TRA की 124 की वैकेंसी की अभ्यर्थना अभी तक उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करें कि अभ्यर्थना इसके भी ग्राम सेवक के भी वन रक्षा वनपाल जो जितने अभ्यर्थी उनके भी पहुँचे। दोस्तों एक सबसे बड़ा मोटा बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, वो प्रयास भी हमारा पहले जारी था, लेकिन अब किस वजह से, कोरोना महामारी की वजह से वो मामला दब चुका है, लेकिन मुझे पता है बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, कम हो उसके लिए प्रयास करूंगा मैं भी और आप इसमें जुड़े। अब दोस्तों अब मैं जो कमेंट्स के यदि किसी भर्ती लोग मैं भूल गया हूँ तो मैं उन कमेंट्स का भी जवाब दूंगा, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो हम सबको मिलकर इस सिस्टम से तो लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सिस्टम में ये खामियां है कि परिणाम कब आता है, जॉइनिंग कब होती है ये पता नहीं, कितने साल लग जाते हैं, कभी भर्ती कोर्ट में एकल की, कभी डिवीजन बेंच, कभी फाइल घूमती रहती है,
कभी कहाँ चक्कर काटना पड़ता है, कभी कहाँ काटना पड़ता है, तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कभी 587 पद कम कर दिए जाते हैं, कभी क्या कभी क्या, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा दोस्तों। इस अभियान एक बार कोरोना समाप्त हो जाए, हम सब मिलकर एक बड़ा अभियान भी चलाएंगे, एक बड़ी रणनीति के साथ आगे की प्लानिंग भी बनाएंगे। स्टोनोग्राफर के फॉर्म रीओपन कब होंगे भैया? आपकी जल्दी सूचना मिल जाएगी, इसी जुलाई में आपके रीओपन हो जाएंगे, यानी कि इस वीक है, आने वाले वीक में आपको सूचना मिल जाएगी स्टोनोग्राफर के जो रीओपन के आदेश हो जाएंगे, सूचना के आदेश हो जाएंगे स्टोनोग्राफर। और कई लोग मुझे कॉल कर रहे थे बार बार, ये कह रहे थे कि भैया हमारी वापस वहां चली गई, नहीं वो झूठी अफवाह, आपकी अभ्यर्थना वापस एआरडी में नहीं गई है, जल्दी आपको कुछ खबरें मिलेगी, मैंने आपकी बात रख दी है कि रीओपन आपके फॉर्म को वो मैंने रख दिया और जल्दी आपके आदेश हो जाएंगे। गोविंद शर्मा धन्यवाद जी, हम के लिए कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जब भी मुलाकात होगी मजबूती से आपकी बात रखूंगा मैं। आरएस भर्ती 2020 1100 ज्यादा पदों पे आएगी, इसकी अभ्यर्थना लगभग तैयार है, हम जल्द से जल्द लिखा है कि आरएस 2020 की विज्ञप्ति जारी हो, प्रयास करेंगे जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, पूरा प्रयास करूंगा, इसमें पूरी ताकत लगा दूंगा और शायद हो सके तो तुम्हें जल्दी ही कुछ खबरें मिल जाए। पीटीआई की वैकेंसी आनी है जी, मैंने पहले लेटर लिखा था, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आनी चाहिए, थर्ड ग्रेड की आई थी, 2018 वाला मैंने लेटर लिखा, दोबारा लिख दूंगा। मुझे पता है जो एलडीसी भर्ती 2018 में शिक्षा विभाग की जो जिला आवंटन को लेकर काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है एक बार ज्वाइनिंग ले लीजिए, पता नहीं कोई किसी प्रकार भर्ती अटक गए तो लटक जाओगे, लोगों को बहाना मिल जाएगा, एक बार ज्वाइनिंग ले लीजिए, ज्वाइनिंग के बाद आप कोर्ट में जाइए, आप अपनी बात रखिए कि मेरी मेरिट बहुत ज़्यादा थी, कुछ लोग कम थे, उनको होम जिला मिला, हमें दूर मिला, क्योंकि 2013 आरपीएससी में ऐसा हुआ, तो आपको राहत मिलेगी, माननीय न्यायालय से जरूर राहत मिलेगी। एक बार आप ज्वाइनिंग करिए, उसके बाद मुझसे मिलिए, जितना सहयोग होगा मैं आपका सहयोग करूंगा, प्रतिवेदन भी आप देंगे। मुझे लगता है अधिकतर भर्तियों के नाम मैंने बोल दिए हैं भाई, कॉल कैसे आ गया, वैसे जो कमेंट आ रहे हैं उनकी भर्तियों के लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो वीडियो देखें उनको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, फिर मैं आपके बीच में रहूँगा, लेकिन हम सब मजबूत रहे, एक साथ रहे और मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे तो जरूर परिणाम मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति पॉजिटिव है, जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूँगा, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार को रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत।